मैं प्रदीप मिश्रा प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और फेसबुक के हमें ऑफिशियल पेज प्रदीप एकेडमी को फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। अभी तक हम लोग पीछे चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, और जिन लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं किया है यहां पर देखिए आपका एक आई का बटन आ रहा होगा, इसको जैसे ही टच करेंगे तो हमारे पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हम लोग सॉरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएम। एक बात और बता रहे हैं, नंबर और सिस्टम अगर आपने ढंग से पढ़ा है, अगर नंबर सिस्टम को आपने ढंग से समझा है और एलसीएम सिस्टम को ढंग से पढ़ा है तो हम आपसे वादा कर सकते हैं कि ए टू जेड क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ए टू जेड का मतलब है कि ए टू जेड क्वेश्चन आप यूनिट बेस्ड नंबर नंबर सिस्टम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से पूरी तरीके से ओरल कर सकते हैं। जब हम आपसे वादा करते हैं कि 1 मिनट में 10 क्वेश्चन कर सकते हैं तो वादा कर रहे हैं, झूठा वादा नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है वो जानते हैं कि सर 1 मिनट में 10 क्वेश्चन कैसे कराते हैं। से अगर आप चाहते हैं इस प्रकार हमारे उस पर लेना चाहते हैं तो हम जरूर कह रहे हैं कि आप अभी भी अभी जस्ट नाउ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएम के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए आज के चैप्टर की हम थीम दे रहे हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। इसी थीम पे हम आगे बढ़ते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका जीतना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए यहां सरलतम रूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सबसे कॉमन चीज होता है, हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है आप इसका इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको तब भी ये क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होती थी अपने समय में और आपसे होती है कि नहीं ये अभी पता चल जाएगा। ये 777/1147 को सरलतम रूप में लिखना है, को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए का मतलब क्या है, इसको ये जो नंबर है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई दिस नंबर। देखिए क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन हमारे पास सरलतम रूप की बात करिए, अगर हम आपसे कहें कि बताइए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस मेथड की बात कीजिए तो आप क्या करोगे, आप मैनुअल अप्रोच लगाओगे। हमने आपसे बोला है कि देखिए क्वेश्चन हमको पढ़ाना है, क्लास लेना तो बात अलग है, परंपरागत तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब कंपटीशन की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं और ऑप्शन लगाने की बात करते हैं तो ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले इस नंबर की हम बात करें, जैसे ही कोई नंबर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो जाता है, कोई भी नंबर 3 बार रिपीट होगा तो हर हालत में समझिए वो 37 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि 37 नहीं होता है 111 होता है, 37 नहीं 111 होता है तो ऊपर वाले नंबर के फैक्टर होंगे 37 नहीं 111 और 111 का ये 7 गुना है तो ये क्या होगा 37 × 3 × 7 इसके फैक्टर के रूप में बन जाएंगे। पहली चीज 37 की एक प्रॉपर्टीज पढ़ी कि प्रॉपर्टीज क्या पड़ी कि 37 एक बताता है कि 37 की कोई भी नंबर अगर कोई भी इकाई वाला नंबर अगर अपने आप को कोई भी इकाई वाला नंबर 3 बार अगर रिपीट करेगा तो नंबर क्या होगा 37 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये 37 तो इसके फैक्टर के 37 × 3 × 7। दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे देखिए यहां पे ये नंबर दे रखा और ये नंबर बहुत अच्छा आपको आइडिया देने जा रहा है, क्या आइडिया देगा इस नंबर की बात करते हैं। अगर ये नंबर है तो इस नंबर की जैसे ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है।
देखिए अगर हमने इस बोला अब आपको एक 37 का फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब है ये 37 के बारे में आएगा और 37 क्या होता है 137 त्याई होता है 111 तो यहां बचेगा 3 बचेगा और 37 से कम होगा 37 तो अब देखिए ये 37 दोनों में कॉमन है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और आंसर होगा 21/31। क्लियर है, ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे ओरल कर सकते हैं। क्लियर, पहले चीज हमने 37 की डिविजिबिलिटी की बात की और दूसरे नंबर पे हमने ये चीज सीखा कि 37 के ये नंबर की बात की तो 37 से कम 37 अगर घटाएंगे तो 3 बचेगा और 37 से कम क्या होगा 37 तो 37 और 37 ये नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा और ये क्या लाएगा ये आंसर आएगा तो 21/31 क्या होगा हमारा आंसर हो गया इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 923 बटे 1207 का सरलतम रूप क्या होगा सरलतम रूप पूछा है ये क्वेश्चन हमारे पास आता है 923 बटे 1207 का सरलतम रूप क्या होगा। हम लोग क्या करने लगते हैं इस क्वेश्चन को फैक्टर करने लगते हैं, फैक्टर हमको मिलते नहीं है तब हमको दिक्कत आती है और इसलिए हमको दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए हम आपको जो रूप देने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा। ये 923 है, 923 के देखिए फैक्टर करने की बात करें और किस नंबर की बात करेंगे उसको ज्यादा समझते कीजिए। जैसे 923 है तो हम क्या करेंगे सबसे पहली चीज ये जो 2 है हम क्या करेंगे 2 का एक कैरी यहां दे देंगे तो ये क्या होगा 13 हो जाएगा और यहां बचेगा 1 तो ये दोनों नंबर 13 के पाड़े में आएंगे और 13 से ये नंबर कट जाएगा तो कितना होगा 13 से 91 और 13 से 91 तो 1 बचेगा 13 तो 13 × 71 का मल्टीपल। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये तरीका आपके लिए बिल्कुल नया है जब समझना पड़ेगा ये आपको आईक्यूले भी लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर इसी की बात करें तो 120 है 120 × 7 है अब इस नंबर में क्या करेगा इसको कैरी देगा तो ये 17 हो जाएगा और ये क्या होगा 119 हो जाएगा तो ये 17 के पाड़े में क्या होगा ये 17 के पाड़े में क्या होगा 17 × 7 = 119 और 17 × 1 क्या होगा 17 हो जाएगा तो ये नंबर जो होगा 17 × 71 हो जाएगा सरलतम रूप इतना 71 से 71 कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू होगी 13/17 आंसर। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सरलतम रूप के रूप में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को फिर से हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 403/465 को सिंप्लीफाई करो सरलतम रूप लिखिए ये क्वेश्चन है इसका हमको सरलतम रूप लिखना है 403/465 फिर से हम लोगों ने 403 के फैक्टर करने की बात करी 403 तो अब ये अगर ये नंबर इसको 1 दे देगा तो इसने दे देगा 40 की जगह क्या बचेगा 39 बचेगा तो ये 13 के पाड़े में कितने बार आएगा 13 × 39 और 13 × 1 क्या होगा 13। इसी प्रकार इस नंबर की बात करें 465 की बात करें तो एक कैरी देगा तो ये 15 होगा 15 × 45 तो 15 × 15 31 कैंसिल होगा और 13/15 इट इज योर आंसर 13/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ में आ गई है तो हम एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा कि यहीं पर इसी रूप को हम क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। देखिए 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। आप जैसे इसके आंसर हमको कमेंट पे जरूर लिख के भेजिए।
आप जैसे लिखते हैं हमको समझ में आ जाएगा आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हम इसका इसको आपको आंसर भी चेक करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आ जाते हैं हम इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात थी, ये जितने भी नंबर थे ये सब क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे थे। अब यहां पे हम यहां पे क्वेश्चन बुक लिख रहे हैं कि यहां पे एक नंबर है 7/9, 7/9 कॉमा 14/15 कॉमा 7/10, 7/10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात। अब आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? तो देखिए एक बात समझिएगा कि जब भी हम कोई पहाड़ा पढ़ेंगे, जब भी कोई पहाड़े के अंतर्गत जो नंबर आता है, जिस बड़े से बड़े पहाड़े के अंतर्गत ये नंबर आ रहे हैं तो उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 7/9, 14/15, 7/10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। देखिए इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी कभी भिन्न के रूप में ज्ञात करना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। अब यहीं से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की जो परिभाषा को अपने ढंग से बनाते हैं। देखिए यहां पे नंबर है 7, 14 और 7, ये जो नंबर है ऊपर वाले नंबर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है। तो बताइए ये नंबर किसके पहाड़े में आते हैं, जिस बड़े से बड़े नंबर के पहाड़े में आएंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो आपको बताओ ये सर 7 के पहाड़े में एक बार आता है, ये 7 के पहाड़े में दो बार आता है, ये 7 के पहाड़े में एक बार आता है और किसी पहाड़े में आता नहीं, तो ये क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 7 हो गया। फिर अब हमारा आता है 9, 15 और 10, 9 और 15। देखिए हमने बोला ये नंबर किसके पहाड़े में आते हैं, जिसके पहाड़े में जिसकी टेबल में ये नंबर आएंगे इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे नंबर इन तीनों नंबर अब यहां पे कह रहे हैं 9, 15 और 10 का अगर पहाड़ी में एक ऐसा नंबर ढूंढे वो छोटे से, इसका मतलब क्या है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन तीनों के पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढे जो तीनों के पहाड़े में आता हो। अब देखिए किसके पहाड़े में आएगा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखें और सबसे बड़ा नंबर ऐसा देखिए जिसके लास्ट में 0 आ रहा है क्योंकि ये 10 का डिजिट है। तो 15 के पहाड़े में देखें तो 15 × 30 होता है, 15 × 60 होता है जिसमें 0 होता है और 15 × 6 क्या होता है 90 होता है और 15 × 10 क्या होता है 120 होता है, 15 × 10 = 150 होता है। तो एक्शन इन 5 नंबर के अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन 9 के पहाड़े में 30 नहीं आ सकता तो ये हटा देंगे, 9 के पहाड़े में 60 नहीं आएगा तो हटा देंगे, 9 के पहाड़े में ये आता है और 9 के पहाड़े में ये नहीं आएगा हटा देंगे और 9 के पहाड़े में ये भी नहीं आता तो ये हटा देंगे, तो बचा क्या हमारा 90। तो यहां पे 90 बचा, तो ये एक ऐसा नंबर इन तीनों के पहाड़े में 90 क्या हो रहा है सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर है जो आ रहा है, ये तीनों के पहाड़े में कौन सा छोटा से छोटा नंबर आ रहा है इट इज कॉल्ड द एलसीएम। समझ में आ रही बात। फिर देखिए ये तीनों नंबर किसके पहाड़े में, किसके पहाड़े में क्वेश्चन है, किसके पहाड़े में आते हैं ना, किसके पहाड़े में आते, जिसके पहाड़े में होगा वो क्या रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इन तीनों के पहाड़े में, इन तीनों के पहाड़े में कौन सा छोटे से छोटा नंबर आता है, तो नंबर क्या था 90। 90 आया तो यहां पर एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे 90। और अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लिए, 9 के पहाड़े में 10 बार आएगा, 15 के पहाड़े में 6 बार आएगा और 10 के पहाड़े में 9 बार आएगा, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की परिभाषा के रूप में आप लिखना चाहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की परिभाषा आपने देखी क्या बोली है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की परिभाषा के रूप में देखिए तो सिंपल सी परिभाषा आपने बोली है कि जो जिन नंबर में दिए गए नंबर जिसके जिस बड़े से बड़े पहाड़े में आते हैं वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की परिभाषा लिखी कि दिए हुए नंबर
के पहाड़े में वो छोटे से छोटा नंबर जो आता है जो तीनों में कॉमन हो, इट इज कॉल्ड द एक्शन। चलिए इसी के ऊपर डिपेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और उस क्वेश्चन को एक बार फिर से पूछते हैं और देखते हैं फिर से क्वेश्चन लिख दीजिएगा सात। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सात एक बटे तीन, दो बटे नौ, पांच बटे छह और चार बटे सत्ताईस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अब आपके पास आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप हमसे कहेंगे कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपने अभी बताया कि ऊपर वाले नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नीचे वाले नंबर का एक्शन। समझ में आ रही बात, एकदम क्लियर है। अगर पूरी तरीके से समझ में आ रही है तो फिर से कहिए लाइक वाला बटन, अगर आपने नहीं दबाया तो तुरंत दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये अभी कीजिए। ये फिर से देखिए, अब एक दो पांच चार, दो के पहाड़े में चार आ रहा है लेकिन ये सभी नंबर किसी के पहाड़े में नहीं आते। जब किसी के पहाड़े में नहीं आते तो वो नंबर किस में आएगा, एक कॉमन नंबर एक के पहाड़े में आएगा, सिर्फ एक। फिर एलसीएम की बात करें, अब एलसीएम की बात करें, देखिए एलसीएम कैसे निकालने का तरीका बात करें, किसका एलसीएम निकालना है, तीन नौ और छह और क्या निकालना है, सत्ताईस। यहां पर देखिए हम आपसे थोड़ा सा जो बात करने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा। यहां पे अगर देखिए तीन के पहाड़े में नौ आता है, इसलिए तीन का एलसीएम ना निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौ के पहाड़े में सत्ताईस आता है, अगर नौ के पहाड़े को नहीं निकाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे कह रहे हैं कि 27 का पहाड़ा एक ऐसा पड़े, 27 के पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढे जो 6 के पहाड़े में भी आता हो, वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो 27 एकम 27, 27 6 के पहाड़े में नहीं आता, 27 दूनी क्या होगा, 54 पड़े तो 6 नहीं है क्या होगा, 54, ये 6 के पहाड़े में आता है तो यहां पे एलसीएम कितना हो गया, 54, इट इज योर आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया 1/54। क्लियर, को डाउट है, अगर डाउट है तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर फिर से समझ में आ गया, फिर से आप कह रहे हैं लाइक का बटन नहीं दबाया हो, लाइक का बटन पहले दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और अगर बहुत चीजें कुछ कमियां दिख रही हैं तो उस कमी को बताइए, कमेंट करके बताइए और अभी कीजिए। यस, अब आ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और यहां पे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात बोली है, इसी प्रकार एलसीएम निकालने के लिए भी हम बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए एलसीएम के नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां पर एलसीएम है 2/3, 2/3, 3/5, 3/5, 4/7, 4/7 और 9/13 का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन है, एलसीएम क्या होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इनका एलसीएम निकालना है तो देखिए एलसीएम निकालना है तो हमने बोला है जब भी एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ रही बात, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। एलसीएम की बात करें, अब ऊपर वाले का नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 के पहाड़े में 4 आता है तो 2 का एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 3 के पहाड़े में 9 आता है तो उसके एलसीएम निकालने की जरूरत है और इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है। जिन संख्याओं में कोई नंबर कॉमन नहीं होता उसे हम को प्राइम कहते हैं, को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं और सह अभाज्य संख्या बिल्कुल वैसे ट्रीट होती है जैसे कि प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है, संख्याओं को मल्टीप्लाई करके, तो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें तो 9 चौके क्या होगा, 36 हो जाएगा। क्लियर, को डाउट हो देख लीजिए 9 चौके क्या होगा, 36। अगर आपको क्लियर नहीं है वीडियो को जो नहीं है रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए वीडियो बनता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या ये सब किसी के पहाड़ी में आ रहे हैं तो ये तीन
पांच के पहाड़े में नहीं आएगा, पांच सात के पहाड़े में नहीं आएगा, सभी प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, वन, तो आंसर क्या होगा 36, इट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन बनता है कि प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, वन होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा दीजिए, क्लियर। ये हमारे ये क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम निकालने के तरीके की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं और थ्योरी की बात करते हैं, और थ्योरी के रूप में क्वेश्चन को ये जो बेसिक है जो क्वेश्चन लेने जाएंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में बनाएगा। ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा काम आएगा, नंबर ऑपरेशन में भी काम आता है, और जब कभी हम कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ऑप्शन के मेथड से तो भी हमारे ये मेथड क्या होंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शायद ये क्वेश्चन नंबर अब आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तीन संख्याएं यहां पे क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इनका इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है तो ये संख्याएं क्या है। ये क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है तो ये संख्याएं क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो देखिए पहली चीज हमने आपसे बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नंबर, अगर पहला नंबर निकालना है तो 12 का पहाड़ा जितना रेशियो देखा उतने बार पढ़ दिए, 12 कम क्या होगा तो 12, पहला नंबर 12 हो जाएगा, दूसरा नंबर पढ़ना है तो 12 का पहाड़ा रेशियो के बाद पढ़ दिए, 12 2 24 होगा, और तीसरा नंबर निकालना तो 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिए, 12 देख क्या होगा 36 हो जाएगा। संख्याएं पूछी है तो संख्या 12, 24 और 36 होंगी। इसका मतलब है क्या बताना चाह रहे हैं, इस जगह थ्योरी की बात कीजिए कि जब भी जो संख्या होती है वो ऑलवेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड जरूर होंगी, जो भी संख्याएं होंगी वो ऑलवेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड जरूर होंगी। अब ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया था कि जब दो संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चनों में इस प्रकार का जब रेशियो दे रखा है तो क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मान लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा फिर से क्वेश्चन के रूप में बन जाता है कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में है, ये दो संख्या 5 तथा 6 के अनुपात में है तथा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है तो एलसीएम ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब देखिए यहां पे रेशियो दे रखा है तो यहां पर एलसीएम निकालना है। पहले रेशियो की बात करें, 5 और 6 के अनुपात पे है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हमको एलसीएम चाहिए। ध्यान रखिएगा जब भी एलसीएम निकालना होता है तो हम तीनों नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दोनों रेशियो के जो रेशियो का मल्टीपल है उससे गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 5 का क्या होगा, 5 का पहाड़ा 6 का पढ़ेंगे, 5 6 30 होगा, 34 जा क्या होगा 120 हो जाएगा, 120 इट इज योर आंसर। अब हमेशा के लिए फॉर्मूला बना दिए कि अगर दो संख्या में एक्स और वाई का अनुपात है और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू क्या होगा, एक्स इंटू वाई के बराबर होगा। इस बात को दिमाग पर
और ये चीज आगे चल के हमारे क्वेश्चन पे जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं उनमें ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा काम आने वाला है। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या हो गए, समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसी की तीसरे नंबर, इसको क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है, इसी वैरायटी का तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस क्वेश्चन की बात करें और ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याएं 3 तथा 4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है, 3 4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहां पे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए अब यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहां पे हमको दे रखा है दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 84 है। अभी आपने पढ़ा था कि एलसीएम इन बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू रेशियो का मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो एलसीएम से रेशियो का मल्टीपल को क्या करें, डिवाइड करें, 3 चौक क्या होगा 12 होगा, 12 के पहाड़े में कितने बार आ रहा है 3 चौक 12, इन दोनों का 3 चौक 12 के पहाड़े में कितने बार आ रहा है 7 बार आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 7 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 हो गया। अब बड़ा नंबर चाहिए तो जिसका रेशियो बड़ा होगा नंबर क्या होगा बड़ा होगा, ये रेशियो बड़ा है तो ये नंबर क्या होगा बड़ा होगा, 7 चौक क्या होगा 28 हो जाएगा, तो बड़ा नंबर क्या होगा 28 हो गया। क्लियर, तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हो गया और मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस बात को जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचपन से इसी क्वेश्चन की बात करें 3 और 4 के अनुपात में था और यहाँ पे आपके नंबर की बात करें तो देखिए आपने क्या पढ़ा, इसके अगर पहले इसके नंबर की बात करें तो 7 3 क्या होगा, छोटा नंबर क्या होगा 21 हो जाएगा, बड़ा नंबर 28 और छोटा नंबर क्या होगा 21। अब ये क्वेश्चन से हम थ्योरी बनाने जा रहे हैं, जहां से ध्यान दीजिएगा बचपन से आपने पढ़ा है यहाँ पे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये एलसीएम है। अगर हम पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, पहला नंबर था 21 और दूसरा नंबर था 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 28 एकम 28 के 8 2 हासिल होगा, 28 दूनी 56 होगा, 56 और 2 क्या होगा 58 होगा, फिर 588 फिर 588 मल्टीप्लाई। और यहां पर अगर हम एलसीएम को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए क्या हुआ, एलसीएम बराबर है 84 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 गुणा करते 7 4 28 के 8 2 हासिल, 7 8 56 और 2 क्या हुआ 58, ये भी क्या हुआ 558 होते। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीपल की क्या होगा बराबर। ये क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर डिपेंड हमारे क्वेश्चन की बात होती है, बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन की बात हो गई। अब इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 and their highest common factor is 27 and their highest common factor is 27 if one of the number is 189, find the
फाइंड द अदर। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम 2079 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 है और एक नंबर 189 है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि n1 इंटू n2 पहली और दूसरी संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीपल की क्या होता है, बराबर होता है। अब एलसीएम दे रखा है 2079 और हाईएस्ट कॉमन दे रखा है 27 दे रखा है और पहला नंबर दे रखा है 189 दे रखा है, तो दूसरा नंबर क्या। अब देखिए ये 189 है, इसके साथ मल्टीप्लाई ये ज्ञात करना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और ये 27 के पढ़े में कितने बार आ रहा, 27 सात से इसको भाग दे, हमारा आंसर आ जाएगा तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, 7 × 9 = 4 हो जाएगा और 7 × 7 क्या होगा 49, तो दूसरा नंबर क्या होगा 297। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन इसी की प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या पढ़ा था कि दो संख्याएं n1 और n2 का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एसएफ के गुणनफल की क्या होगा, बराबर होता है। फिर से आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड फुट, इस पे लिखा है इज 48 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is 4. If one of the number is 24, find the other. ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, एलसीएम 48 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 4 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। 24 के पढ़े में दो बार आता है तो दो का पढ़ा हम 4 पर पढ़ दे, 4 × 2 कितना होगा 8, इट इज योर आंसर। क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 8 हो गया, तो 8 हमारा आंसर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पूरी तरीके से आ गई होगी। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं आपने को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के हम वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया हो फॉलो करें। और आप लोगों का जो प्यार, स्नेह, अपनत्व मिल रहा है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद।